हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं गांव आई हूँ अपने, तो अभी जा रही हूँ मैं यहाँ पे। गांव में मेरा मंदिर है एक छोटा सा, वहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था वहाँ पे जाने का। तो मैं और पापा जी जा रहे हैं। पापा जी तो गाइस, पापा जी आगे चले और मैं पीछे चली। और गाइस ये देखो, यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से। ये सबसे ऊपर दिख रहा होगा ना गाइस, वहाँ ऊपर जाके ये मेरा गांव जहाँ पे परसों फंक्शन था, दीप्ति जी का बर्थडे था। और ये कुछ यहाँ से व्यू। तो चलो तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मंदिर। यहाँ पे लगा रहे हैं भोग। एक तो गाइस, अब बना रही हूँ मैं भोग। मंदिर आए तो हमने सोचा कि भोग भी बना ही लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मंदिर जाना है मेरे को, वहाँ पे भोग बनाना है। तो हम आ गए यहाँ पे और अब कर रहे हम पूजा। और यहाँ पे जो नानू जी है ना, ये मतलब मंदिर के लिए इस पत्थर को बना रहे थे। ये मुझे नहीं पता, पापा बोले कि मंदिर की छत के ऊपर लगता है ये। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं घर पे। अभी अभी आए हम और पूजा वगैरह हो गई थी। एंड अब करते हैं हम ब्रेकफास्ट। और धूप बहुत ज़्यादा है गाइस यहाँ पे ना, सोलन से भी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि घास की वजह से ना यहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुभने वाली है। तो मैं गाइस अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ और फिर देखते हैं। इसके बाद जाना है कहीं हमने, तो देखते हैं। बनेगा कोई प्लान तो जाएगी, नहीं बनेगा तो फिर नहीं जाएगी। तो बाय। पारी कर दादू को क्या पारी। तो गाइज, हम हो चुके हैं रेडी। तो हम निकल चुके हैं घर से। मैंने आपको बोला था ना कि गाइज हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं आज मामू के घर। काकी भी आई थी मेरे घर। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? और मम्मा भी आ रहे हैं, मम्मा पीछे आ रहे मेरे। तो हम निकल गए यहाँ से। अब हम जाएंगे, पहले तो हमारे को रोडू जाना पड़ेगा, वहाँ से लगते हैं हमारे को मामू के घर जाने के लिए 20 मिनट। तो हम चलते हैं गाइज। मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ मामू के घर, मतलब कि 4 साल के बाद तो जा ही रही होगी ना काकी? 4-5 साल के बाद जा रही हूँ। तो चलो आपको भी ले चलते हैं। अब जा रहे हम ऊपर, मतलब घर से ऊपर को निकल रहे हैं। तो बस का कोई पता नहीं अभी कब आते। पापा तो बोल रहे कि 1:30 पे आती है। अब देखते हैं, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो शायद फिर क्या पता भैया छोड़े, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो गाइस, हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं मेरे घर से और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। मेरे काकी ऐसे ढक गए ना, पूरी हाल हो चुके हैं, क्योंकि गाइस घास है ना, घास की वजह से और ज़्यादा से गर्मी गंदे वाली लग रही है। चल तो हवा भी रही, बट अभी बोल नहीं सक रही। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो गाइस, मेरे घर से व्यू कुछ इस तरह से। हम यहाँ से आए वहाँ पर ऐसे, मम्मी का कोई पता नहीं अभी कहाँ। हम चलते रहते तब तक गाइस। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं रोड में, मम्मी भी पहुँच गए हैं। गर्मी से बुरे हाल हो चुके हैं, बुरे हाल, बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा। और दिन के 1 बजे आएगी तो गर्मी लगेगी ना। तो गाइस, हमारे को मिल गई बस, पूरी बस खाली है। हम बैठे हैं, एक अंकल पीछे बैठे हैं और मम्मी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पे मम्मी नमस्ते कर रहे मंदिर को। नहीं यार, पैकेट ले ले, कौन सी वाला।
तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मामू के घर। काकी आगे आगे चलिए। हाँ बहुत ही ज्यादा थक गए आज ना, मतलब वहां से आए हम घर से, ठीक है, वहां पे बस में बैठे और जैसे हम रोड बस स्टैंड में पहुंचे हमने थोड़ा बहुत सामान लगाया और वैसे फिर हमारी बस लगी थी फिर से और हम फिर बैठ गए दूसरी बस में। आज इतने ज़्यादा थक गए ना, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और हमने कुछ खाया भी नहीं था गाइस। तो मैं यहाँ का आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाती हूँ। चलो गाइस काकी आगे आगे चली रही है, ये कुछ यहाँ का व्यू। क्या हुआ काकी? यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं मैं ना कसम से। इतना अच्छा लग रहा है ना गाइस, क्या बताऊं मैं। ये देखो ये घर आ गए यहाँ पे मामू का गांव। मैं तो गाइस कम से कम 4 साल के बाद आ रही होगी, जब मैं छोटी हुआ करती ना तो मैं मैक्सिमम आते थे हम इधर रोज। ये गाइस गांव मामू का। चलो फिर मिलते हैं आपसे, बाय। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं मामू के घर पे। ये मामू के बच्चे दिया और अबू लड़ रहे। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो बाय।